नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी तीन गलतियां जो आपको नहीं करना है, ऐसी कौन सी तीन महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हैं, हमारी जानकारी उन तक पहुँच सके, वो अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातर पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई, जैसे कि हम बात करते हैं कि सरसों की खेती सबसे कम खर्चे की खेती कहा जाता है, और अगर इससे अगर अच्छा पैदावार निकल जाता है तो हम अधिक मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, इससे अगर अधिक हमारा उत्पादन होता है तो हम अधिक मुनाफा ले सकते हैं, और इससे हम कम खर्चे की खेती भी करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कम लागत लगती है, जिस वजह से हम इससे कम खर्चे की खेती भी करते हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं इसी चीज़ को हम नज़र रखते हुए, हम बात करने वाले कि सरसों कि फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए ऐसी कौन सी तीन गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जिससे जो हमारे काफ़ी किसान भाई को घाटे का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाई की समय पर बुआई और हाइब्रिड बीजों का चयन करना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई हाइब्रिड वैरायटी का चयन नहीं करते हैं, तो उन्हीं हमारे किसान भाइयों का उत्पादन वो कम निकल कर गया है। क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि जिन हमारे किसान भाइयों ने हमारे एरिया में और मैं काफ़ी जगह पे विजिट कराए, जहाँ जहाँ पर उन्होंने हाइब्रिड वैरायटी का चयन करा था, तो उनका ये तो लागत कम लगी थी, उन्हें सिंचाई कम करना पड़ी थी, और उनका उत्पादन है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर के आया, और दूसरा उनकी तेल की जो मात्रा थी वो मात्रा भी अधिक थी, जिस वजह से उन्हें मार्केट में उसका प्राइस भी अच्छा मिला। तो आपको कोशिश ये करना है किसान भाई कि आपको हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़ है कि कौन सी वैरायटी का चयन करें, तो मेरे जो हमारे चैनल पर सरसों की तीन उन्नत किस्मों के बारे में वीडियो आ चुकी है, आप उस वीडियो को देख लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें बेस्ट वैरायटी जिनका आप चयन करके अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातर पैदावार ले सकते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप वैरायटी का चयन करना चाहते हैं। अब बात करें तो किसान भाई समय पर सरसों की बुआई करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई समय पर सरसों की बुआई करते हैं। समय की बात करें तो 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर तक लास्ट तक अगर आप सरसों की बुआई कर देते हैं तो ये बेस्ट समय माना जाता है, और समय पर अगर आप करते हैं तो आपके उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल करके आता है। क्योंकि किसान भाई अगर आप लेट बुआई करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी जो पैदावार होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। क्योंकि ये होता है किसान भाई, जैसे कि जब हम लेट बुआई करते हैं तो उससे हमारा जो मोइले का अटैक हमारे फूलों पर देखने को काफ़ी मिलता है, जिससे जो हमारी फलियाँ और फूल अधिक तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, जिससे हमारी फलियाँ कम रहती हैं, जिससे हमारे जो उत्पादन में घाटा देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी हमारे किसान भाई को 30 से 35% घाटा देखने को मिलता है। तो आपको सही समय पर सरसों की बुआई करना है, ये पहली बात है किसान भाई। दूसरी बात को आप जो ध्यान रखना है, जो काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं, कि सरसों की फसल में जो चार पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, और चौथा है किसान भाई सल्फर, काफ़ी हमारे किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन किसान भाई आपको इन चार पोषक तत्वों का अवश्य प्रयोग करना है। अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हैं और उसके साथ में जब आप अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तो आपको दानेदार रीजेंट एक कीटनाशक का अवश्य प्रयोग करना है। क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाई की ये होता है कि उनकी सरसों की फसल में जो ज़मीन होती है उसमें बहुत सारे पहले के ऐसे अवशेष पड़े होते हैं, जिस वजह से हमारी सरसों की फसल जमाव के समय में काफ़ी अधिक फंगस के अटैक हो जाता है, कीटों का अटैक हो जाता है, जिस वजह से उनकी फसल कभी कभी नष्ट भी हो जाती है और 100% जमाव नहीं होता। तो आपको दानेदार रीजेंट का अवश्य प्रयोग करना है। किसान भाई अगर आप बुआई की बात करें तो अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं तब भी आपको पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, अगर आप पलेवा करके कर रहे हैं या किसी भी विधि से आप सरसों की बुआई कर रहे हैं, लेकिन आपको पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर करना है। जब आप अंतिम जुताई करें तो उस समय पर आप नाइट्रोजन जो आप मैंने बताया था आपको DAP से अगर आप बुआई करें तो DAP आपको करीब 50 किलोग्राम या फिर NPK बराबर 16 कर रहे हैं तो आपको NPK 50 किलोग्राम और उसके साथ में किसान भाई आपको MOP पोटास 30 से 35 किलोग्राम लेना और रीजेंट दानेदार 5 किलोग्राम लेना है और उससे बुआई कर देना। अगर आप पलेवा करके कर रहे हैं तो आपको पहली खाद में आपको इन पोषक तत्वों की पूर्ति अवश्य करना है। तो इस तरीके से अगर आप सरसों की फसल में पूर्ति करेंगे तो आपका जो उत्पादन है किसान वो करीबन 20 से 25% अधिक निकल करके आएगा। और एक चीज़ और किसान भाई बात करते हैं दूसरा, जिससे कि हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं, तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीसरी गलती ये करते हैं कि किसान भाई अगर आप सूखे में भी बुआई करते हैं या आपने पलेवा करके बुआई करी है तो आपको पहली खाद में यूरिया का प्रयोग, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं, यूरिया का सही प्रयोग नहीं करते सरसों की फसल में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हैं और आपकी सरसों की फसल जम करके आ गई तो आपको पहली खाद में यूरिया आपको अवश्य देना है। और आप उस समय पर नहीं देते तो अगर आपने सूखे में जुताई करी और आपने सिंचाई के बाद
किसान भाई आपको यूरिया का प्रयोग 50 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि ये होता है किसान भाई कि उस समय पर नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी सरसों की फसल से, जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। तो आपको सरसों की फसल में यूरिया का प्रयोग बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर गलती करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया का प्रयोग करते समय किसान में एक चीज़ का और आपको बेहद ध्यान रखना है, यूरिया पुरानी नहीं होना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाई को नहीं पता, लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये जानकारी कोई भी आपको नहीं बताएगा। पुरानी यूरिया ऐसी होता है कि वो थोड़ा थोड़ा उसमें पाउडर बन जाता है, जिससे ये होता है कि जो हम सरसों की फसल पर यूरिया देते तो उसके पत्ते में चिपक जाता है, जिससे हमारा पत्ता जल जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान भाई आपको पुरानी यूरिया अगर आपके पास है तो आप गेहूँ में या किसी और फसल में लगा सकते हैं, और आप नया एकदम नया ब्रांड न्यू कट्टा ला कर आप यूरिया का प्रयोग करिएगा सरसों की फसल में। तो किसान भाई जो मैंने आपको तीन बातें बताई, अगर आप इन तीन बातों पर कार्य करते हो, तीन बेसिक सी चीज़ें, किसान भी इसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं है आपका, बेसिक सी चीज़ें अगर आप इन बेसिक सी चीज़ों पर कार्य करते हो तो अपनी सरसों की फसल से आप एक बीघे से 8 क्विंटल की पैदावार आप गारंटी के साथ ले सकते हैं। किसान भी अगर आपने हमारी सरसों की जो वीडियो A to Z बुआई से लेकर कटाई तक की जानकारी वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण डिटेल में एकदम A to Z इन्फॉर्मेशन जानकारी दी गई, तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त जानकारी दी गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें हमारे सभी किसान मित्र तक पहुँच सके। धन्यवाद।